स्पेक्टेंस कैनल में नया मोड़, किससे राब्ते किए, क्या जाब्ते तोड़े, आज राजों से पर्दा उठ सकता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान आज अपना जवाब जमा कराएंगे। मोहम्मद इरफान का वादा माफ गवाह बनने का कवी इम्कान, जराए का कह रहा है कि मोहम्मद इरफान अपने खिलाफ चार्जेस कबूल करने को भी तैयार है। सिंध में मुस्लिम लीग नून की भरपूर एंट्री, वजीर आजम कहते हैं दहशत गर्दी को खत्म किए बगैर दम नहीं लेंगे। कराची में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। हैदराबाद में हेल्थ कार्ड के इजरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो बस शहर के लिए 50 करोड़, यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का ऐलान। मुखालफीन के हर हमले का जवाब देंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मफाहमत की सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बिलावल की जवानी और हमारा तजुर्बा मिलकर नई सियासी ताकत पैदा करेंगे। वजीर आजम की सियासत के नक्शे में सिंध नहीं है, ऐलानात से काम नहीं चलेगा। मुतालबा करता हूँ नवाज शरीफ और चौधरी निसार विफाकी चेहरा दिखाएं। मौला बख्श चांदियों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सरकारी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमों पर सदर मुमलिकत का पुतला जलाने का इल्जाम। मुकदमे में मुस्लिम लीग नून के 44 नाराज कारकुनों को नामजद और 6 को नामालूम जाहिर किया गया। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहान का पहला मरहला आज से शुरू, इंतजाम मुकम्मल। मैट्रिक आज के इम्तहान के लिए 83 मरकज कायम, 45,000 तलबा शरीक होंगे। कराची में बानी एमकेएम यूनिवर्सिटी का नाम अब्दुल सत्तार ईदी और हैदराबाद में कायम यूनिवर्सिटी का नाम फातिमा जिनाह यूनिवर्सिटी रख दिया गया। सिंध असेंबली में तरमीमी बिल मंजूर, सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। एमकेएम की पहले मुखालिफत फिर खामोशी इख्तियार कर ली। कराची में बस पर फायरिंग का ड्रॉप सीन हो गया, पुलिस ने पेटी बंद भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अहलकार का कहना है कि उसने बस जरूर रोकी लेकिन फायरिंग नहीं की। महकमा एंटी करप्शन की कराची में बड़ी कार्रवाई, स्टेट बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफातर पर छापे, सोसाइटी की जाली फाइलें जब्त। सोसाइटी ने जमीन लिए बगैर 2000 प्लॉट बेच दिए। पुराना गोलीमार में घर में कायम गुटके की फैक्ट्री पर छापा, घर से करोड़ों रुपए मालियत का गुटका बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के नए आईजी के लिए नाम वफाकी हुकूमत को अरसाल, नए आईजी के लिए सलाहुद्दीन और शौकत हयात के नाम भिजवाए गए हैं। कायम मुकाम आईजी अख्तर अली शाह का नाम भी तजवीज, नासिर दौरानी के रिटायरमेंट के बाद से ओहदा खाली है। बलोचिस्तान पुलिस के लिए जदीद हथियार, पाक फौज के जेर तमाम कोयटा में मुजाहरा, पलक झपकते हदफ का निशाना, इनसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। रेंजर्स की जानिब से शर्जील मेमन को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। डीजी रेंजर्स सिंह का कहना है कि रेंजर्स एहलकार ट्रैफिक जाम क्लियर करवा रहे थे। इत्तफाक है कि उसी वक्त शर्जील मेमन का काफिला भी वहां से गुजरा। भारतीय हुक्मरान जमात तारीख को मिटाने के दर पे, जिना हाउस तकसीमे हिंद की अलामत मिसमार कर देना चाहिए। बीजेपी के रुकन असेंबली मंगल प्रसाद की असेंबली में हर्जा सराई, कायदे आजम तकसीम से पहले मुंबई में कयाम के दौरान इसी मकान में रहा करते थे। और तुर्की के शहर इस्तांबुल में सजा चॉकलेट का सालाना फेस्टिवल, चॉकलेट ट्री, मिठाई और आइसक्रीम से बने शाहकार देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ गया। फनकारों ने अमरीकी सदर ट्रंप, जॉन लेनन, नेल्सन मंडेला और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के मुजस्मे भी बना डाले।